जोगिंदर मोर्जी, अब राज्यसभा तक पहुंच गया है ये मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा ने भी बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। देखिए मनोज जी, हमने तो पहले ही कहा था, विपक्ष जो है वो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उनको, विपक्ष को उठाना ही विपक्ष का वो है, लोकतांत्रिक धर्म है, उसको उसको राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाकर वो धरने पर भी गए थे, समर्थन भी कांग्रेस ने दिया था। देखो हम तो ये कह रहे थे कि ये बॉन्ड पॉलिसी जो है ये ही मतलब अनुचित है बिल्कुल। तो जब इसके अंदर किसी प्रकार की सहमति बनी नहीं रही है, कितने दिनों से 45 दिन से जो है छात्र बैठे हैं, इससे बुरी स्थिति क्या होगी। और देखो डॉक्टर डॉक्टरों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश नहीं कर रही है, ये मतलब क्या मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो कौन बहका रहा है और कैसे, मतलब जब भी जो होते हैं कौन बहका रहा है और कैसे, सरकार ये बहकाने की, ये ये देखो एक तो जो है ये डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं आप, बात है बच्चे जो सरकारी नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, डॉक्टर्स हैं। हाँ इसलिए सरकार है ना समझा नहीं रही है, उनको बहका रही है। ये क्या इनको पॉलिसी समझ नहीं आती क्या? डॉक्टरों को पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, सरकार बहकाने की कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स को समझा नहीं रही है उनको। हमने पहले भी इस पे आज सातवीं डिबेट पे हम इसमें है, सातवीं आठवीं डिबेट हो चुके हैं, आपने कई डिबेटे इस विषय को लेके की है। हमने ये कहा था कि जिस पॉलिसी को लागू करने से पहले ना तो अन्य स्टेटों का कोई अध्ययन किया गया है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमेटी बनाई गई है जिसमें IMA को शामिल किया गया हो, रेजिडेंट डॉक्टर को शामिल किया गया हो, किसी हाई बॉडी को शामिल किया गया हो, विपक्ष को साथ लिया गया हो। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिसी किसी प्रकार की भी बनानी है, कोई अमूलचूल परिवर्तन आप किसी व्यवस्था में ला रहे तो इस प्रकार से थोपी नहीं जानी चाहिए, उसके लिए ये बिल्कुल पहले से विड्रॉ होनी चाहिए, उसके बाद की बात है। कोई चीज कोई बनती है तो आम सहमति बनके कोई वो करती है, और सरकार की जो है वो सारी कंट्राडिक्टरी बातें होती है। अब आप देखिए कि एक तरफ कह रहे हैं डॉक्टरों को, आप पोस्ट निकालते हैं 910,000 फार्म आते हैं, ठीक है आप उतने भी लगा नहीं पाते हैं, आप अब सरकारी नौकरी देने की जो बात करें वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दो दे देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रहे हैं, जॉब की गारंटी कहां दी आपने, कॉन्ट्रैक्ट पे फिर मजदूर सारी की सारी। और जो ये अब तक तो ये भी क्लियर नहीं है, बार बार जो है बीजेपी के प्रवक्ता है यहाँ पर एक असमंजस और फैला देते हैं कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है, सिर्फ हरियाणा सरकार की नौकरी है एक बात, और दूसरी बात यह है कि फीस बढ़ाने का भी जो है काम किया है। मैं फिर बार बार आपके चैनल पर फिर दूसरी बात को दोहरा रहा हूं, MBBS का छात्र पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल के रूप में जब वो मेडिकल की सेवा करता है तो सेवा भी कर रहा होता है, ठीक है सरकारी संस्थान में, इसलिए उसको उसने जो दाखिला है सरकारी संस्थान में इसलिए लिया है कि वो मेरिट स्टूडेंट्स है, वो सरकार की सेवा भी कर रहे हैं, ठीक है। अब सरकार भी अगर निजीकरण जितनी फीस लेने लगेगी तो सरकारी संस्थानों में वहां तो एक एक करोड़ होती है, वहां तो एक एक करोड़ होती है, वो तो अभी मुझे लगता है बहुत दूर है, अभी तो 40 लाख और 1 करोड़ इसमें तो बहुत फासला है ना। लेकिन 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 एक रास्ता डाल के आप इसको बढ़ाते रहिएगा, फिर ये रास्ता डालने की बात नहीं है क्या? सरकार टैक्स का कहां से आता है पैसा, पैसा कहां से आता है, जनता का पैसा, जनता पे खर्च हो रहा है क्या है सरकार? डॉक्टर सेवा नहीं करते क्या? मैं यू कह रहा हूं, जब डॉक्टर MBBS करता है तो वो जब प्रैक्टिकल के रूप में हॉस्पिटल में सेवा करता है वो सेवा नहीं दे रहा है क्या उसको, उस वक्त वो सरकार से कुछ ले रहा है क्या? ठीक है 10 लाख रुपया आप फीस ले रहे हैं MBBS की, अगर थ्योरेटिकल जो है वो आप कितना खर्चा मानते हैं सरकारी, उस पर अगर खर्चा मान लेंगे तो, यूं तो प्राइवेट में इलाज है तो इलाज भी बहुत महंगा है, अगर उस चीज का निजीकरण की उस पर बात करेंगे तो किसी बात की, लेकिन सरकारी तंत्र को क्या निजीकरण से इस प्रकार से कंपेयर किया जा सकता है क्या? ठीक है जोगिंदर जी, गरीब ठीक है हाँ, लेकिन आपकी तरफ से जो राज्यसभा में क्वेश्चन लगाया गया था उसमें एक फैक्चुअल मिस्टेक ये है कि अब 40 लाख नहीं अब 30 लाख कर दिया गया है, ठीक है आगे मैं बढ़ती हूँ, ठीक है मैं हाँ आऊंगी, एक मिनट हाँ जोगिंदर जी, ठीक है 30 सेकंड में बोलिए। जब हमने क्वेश्चन लगाया था जब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई सहमति की बात नहीं हुई थी, अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अब तक जो है हमने जब क्वेश्चन लगाया तो 4 लाख, ये 9 तारीख का है, ठीक है कोई बात नहीं।